सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सो दोस्तों, अगर आप मार्केट में हैं एक ऐसी बाइक लेने के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हो, बहुत ही ज़्यादा हाई टेक हो, हाई परफॉर्मेंस दे दे और मेंटेनेंस भी काफ़ी कम रहे, बहुत ही अच्छा माइलेज के साथ साथ, तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा चॉइस हो सकता है हीरो ग्लैमर एक्सटेक की ये मॉडल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये हीरो ग्लैमर एक्सटेक की ये जो ब्लू कलर है विद डिस्क, इसकी कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू दूंगा और इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत और मैंने ये वीडियो शूट किया है रिद्धि हीरो आंदुल हावड़ा में। शोरूम की पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इस गाड़ी का टेस्ट राइड लेना चाहते हैं और इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हीरो ग्लैमर एक्सटेक की ब्लू कलर और इसके कई और भी कलर्स आते हैं और इसमें आपको दोस्तों एक्सेंस FI टेक्नोलॉजी मिलेगा। अभी FI टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। कार्बोरेटर के मुकाबले फ्यूल इंजेक्शन जो है वो आपको जो आपका फ्यूल सेविंग है वो और भी ज़्यादा बेटर बना देता है। ड्रॉप बाई ड्रॉप फ्यूल का फ्यूल पहुंचता है इंजन तक और इससे क्या होता है दोस्तों कि आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलता है, बहुत ही बढ़िया सा माइलेज मिलता है और किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और जब आप चढ़ाई पे चढ़ते हो यानी कि इंक्लाइन पे भी चढ़ते हो तो भी आपको परफॉर्मेंस बरकरार रहता है। और इससे ये भी होता है दोस्तों कि इंजन का जो वेयर एंड टियर है ये बहुत ही कम हो जाता है और आपको हाई रीसेल वैल्यू भी मिल जाता है। और दोस्तों चलिए सबसे पहले हम इंजन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल इंजन है, गन मेटल फिनिश के साथ आता है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 124.7 सीसी का एक्सेंस फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है जिसमें कि टॉर्क ऑन डिमांड टेक्नोलॉजी दिया गया है। और दोस्तों आपको इसमें I3S टेक्नोलॉजी भी इस गाड़ी में मिल जाएगा। पावर आपको इसमें मिलेगा 10.73 BHP एट 7500 RPM और टॉर्क मिलेगा 10.6 न्यूटन मीटर्स एट 6000 RPM। सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही है दोस्तों और 5 स्पीड की कॉन्स्टेंट मैश गियरबॉक्स दिया गया है। किक स्टार्ट आता है जो कि आज की तारीख में बहुत ही अच्छी बात है एक गाड़ी में दे देना। और दोस्तों एक ज़्यादा गियर होने से आपको सुविधा ये होता है कि आप हाईवे में भी एकदम इत्मीनान से इस गाड़ी को चला पाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया सा माइलेज भी मिलने वाला है क्योंकि आपको इसमें एक्सेंस फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिलता है और फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी में बहुत सारा सेंसर्स यूज़ होता है जो कि गाड़ी की ओवरऑल जो फ्यूल फ्लो है और जो वर्किंग्स है उसको सेंसर के द्वारा कंट्रोल करता है। और इस गाड़ी में डायमंड फ्रेम पे ये गाड़ी बना हुआ है जो कि आपको ऑब्वियसली एक बेटर परफॉर्मेंस दे देता है दूसरे गाड़ियों के मुकाबले। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम ग्लैमर की लुक्स की बात करें तो लुक्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश यूथफुल लुक्स इसमें दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। इसकी अगर पेंट क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो भी बहुत ही खास आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसमें I3S दिया गया है यानी कि आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो कि इस गाड़ी की जो ओवरऑल फ्यूल फ्लो है इसको बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल करता है और इंजन किल करने में मदद करता है। दोस्तों आपको इस गाड़ी में दोनों ही ट्यूबलेस टायर्स मिल जाएंगे, आगे की तरफ डिस्क मिलेगा, पीछे की तरफ ड्रम मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश अलॉय व्हील्स इसमें दिए गए हैं। दोस्तों आगे की तरफ आपको मिलेगा 80x100 सेक्शन का टायर और पीछे 100x80 सेक्शन का टायर, जो कि पीछे का जो टायर है ये थोड़ा सा चौड़ा है और आपको बेटर रोड ग्रिप दे देता है। और दोस्तों ब्रेकिंग भी बहुत ही अच्छी है। अब इसमें जैसे कि आप दोस्तों देख ही पाएंगे आगे की तरफ आपको मिल जाएगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आपको मिल जाएगा 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन सस्पेंशन। और आगे और पीछे दोनों ही जो सस्पेंशन से ये दोनों का ही ट्रैवल नॉर्मल सस्पेंशन से ज़्यादा है। आगे का 14% और पीछे का आपको 10% ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल देखने को मिलेगा, विच इज़ अगेन गुड फॉर एनी काइंड ऑफ रोड्स यू आर राइडिंग इन। तो आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा होने से दोस्तों किसी भी तरह के रोड जब आप चला रहे हो किसी भी तरह के रोड पे तो कोई भी रोड अंडुलेशन आपको आसानी से यहाँ पे फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगी। और पीछे एडजस्टेबल सस्पेंशन है तो इसीलिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी रोड पे गाड़ी को चला पाएंगे। कवर्ड चेन गार्ड दिया गया है तो चेन का भी मेंटेनेंस आपको इसमें बहुत ही कम रहता है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं मीटर कंसोल पर। तो दोस्तों मीटर कंसोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस गाड़ी में और आपको इसमें नेविगेशन असिस्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल्स एंड SMS अलर्ट्स, लो फ्यूल इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन लाइट, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें दोस्तों आपको एवरेज स्पीड, टाइम और डेट, ब्लूटूथ की पेयरिंग, एवरेज माइलेज, गियर पोजिशन इंडिकेटर, ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको इस मीटर कंसोल में देखने को मिलेगा। यूँ आप कह सकते हैं दोस्तों कि मोबाइल से कनेक्ट करके आप इस गाड़ी में GPS नेविगेशन ऑन करके अपने हिसाब से चल सकते हैं और अपने लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। बाकी इसमें RPM इंडिकेटर दिया गया है, डिजिटल क्लॉक दिया गया है, फ्यूल इंडिकेशन, दो अलग अलग ट्रिप मीटर्स, एवरेज स्पीड, सर्विस रिमाइंडर, ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको इस मीटर कंसोल से मिल जाएगा। फुल्ली डिजिटल है दोस्तों और बाकी सारे जितने सारे टेलटेल लाइट्स है वो सारे टेलटेल लाइट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। सर्विस रिमाइंडर भी आपको मिल जाएगा कि कितने किलोमीटर बाद एग्जैक्टली सर्विस करवाना है।
इसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा ऑन द गो USB चार्जर, तो आपके कोई भी स्मार्ट डिवाइस हो, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो या फिर कोई भी स्मार्ट डिवाइस, आप ऑन द गो चार्ज कर पाएंगे। आपको अलग से कोई भी मोबाइल चार्जर या फिर कोई भी USB चार्जर इसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विच इज़ अ ग्रेट इंक्लूजन फ्रॉम हीरो, ये मैं कहूँगा। और दोस्तों ये USB चार्जर होने से बहुत सारे जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाता है। दोस्तों i3s का स्विच आप देख ही रहे हो, और इसी के साथ साथ ऑल वेदर स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको दिया गया, यानी कि ऑल वेदर इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि किसी भी रास्ते पे आप चला रहे हो, इंक्लाइन पे ले जा रहे हो, तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और एकदम बराबर से गाड़ी जैसा नॉर्मल रोड में चलता है वैसा आपको इंक्लाइन में भी चलेगा। और i3s जो है दोस्तों, ये आपको जब आप गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हो तो गाड़ी का इंजन को शट डाउन कर देता है, और क्लच दबाने से गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। तो इससे आपको ट्रैफिक के अंदर बहुत ही बढ़िया सा माइलेज देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर दिया गया, यानी कि जैसे ही आप स्टैंड डाउन करते हो तो गाड़ी अगर गियर में है तो इंजन ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। और इसका जो इंडिकेशन है ये भी आप देख ही सकते हो, रेड कलर के इंडिकेशन में मीटर कंसोल पे दिया गया है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। बैंक एंगल सेंसर, यानी कि गाड़ी अगर गिर जाता है, एक साइड में टिल्ट हो जाता है तो इंजन शट डाउन हो जाता है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड फीचर। पेट्रोल टैंक को देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और स्टाइलिश पेट्रोल टैंक यहाँ पे दिया गया है ग्लैमर के एम्बलम के साथ। साइड में आपको i3s की बैजिंग देखने को मिलेगी, और ग्लैमर की अगर लोगों को देखें दोस्तों तो ग्लैमर एक्सटेक का ये जो टैंक शाउट्स में दिया गया है, देखने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और अप मार्केट लग रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें LED हेडलैम्प यूनिट की, तो LED हेडलैम्प यूनिट दोस्तों नॉर्मल जो हेडलैम्प्स होते हैं उसके मुकाबले बहुत ही बेटर रोड इल्यूमिनेशन दे देता है, रोड में रोशनी दे देता है, और आगे से जो लुक है इस लुक को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना देता है। तो आपको यहाँ पे लाइट को लेकर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया सा रोड इल्यूमिनेशन आपको मिल जाएगा। पीछे की तरफ आपको एक एच शेप्ड बैकलैम्प यूनिट मिलेगी, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड एडिशन फ्रॉम हीरो। इसके बाद अगर हम दोस्तों देखें इसकी सीट, तो सीट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है दोस्तों, लॉन्ग कम्फर्टेबल वाइड सीट है, और दो लोग आराम से इस पर बैठकर सफ़र कर सकता है। सीट हाइट इज 793 mm, विच इज़ वेरी गुड फॉर इंडियन हाइटेड राइडर्स, कोई भी इस गाड़ी को एक्सेस कर पाएगा किसी भी हाइट का बंदा। कलर ऑप्शंस में कैंडी ब्लेजिंग रेड, ग्लॉजी ब्लैक और एक मैट एक्सिस ग्रे कलर हमें देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ नेक्सस ब्लू कलर की बाइक मैं खुद अभी रिव्यू कर रहा हूँ। दोस्तों ग्लैमर में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, तो बहुत ही बढ़िया सा ग्राउंड क्लियरेंस है, किसी भी रोड अंडुलेशन आपको पता ही नहीं चलेगा। 5 साल की आपको सर्विस वारंटी मिलता है इस गाड़ी को लेने के बाद। और परचेज ऑप्शंस में देखें तो सुविधा फाइनेंस की आपको मदद मिल जाएगी, और ईजी एक्सचेंज हो जाएगा कोई भी गाड़ी के साथ फ्रॉम हीरो व्हील्स ऑफ ट्रस्ट। कोलकाता में ग्लैमर एक्सटेक की डिस्क मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस है 88,173 rupees। तो दोस्तों देर किस बात की, विजिट कीजिए आपके नियरेस्ट डीलरशिप और एक टेस्ट राइड लीजिए ग्लैमर एक्सटेक की। उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू एंड ऑलवेज राइड सेफ़।